आज हम लोग करेंगे जायरो वेबसाइट का डिटेल्ड रिव्यू 2022 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जायरो वेबसाइट बिल्डर के बारे में। इसको मैंने यूज़ किया था लास्ट टाइम 1 साल पहले। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स इसमें करे गए हैं। उस टाइम पर मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं वेबसाइट बिल्डर की सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। तो जितने भी वेबसाइट बिल्डर्स हैं, जितने भी पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर्स हैं, उन सब के रिव्यू अब इस चैनल पे आएंगे। तो जायरो इज़ वन ऑफ देम, जिसको मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी पहले से मैं इसको देखा हुआ है। तो आज हम लोग इसका यहाँ पर डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। जायरो कंपनी की बात करूँ तो ये आती है होस्टिंगर की तरफ से, जो कि एक वेब होस्टिंग कंपनी है। उन्हीं की तरफ से एक वेबसाइट बिल्डर भी आता है। मेरी वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो ये एक वेबसाइट है kpdemo.zyrosite.com, जो मैंने फिलहाल अभी जायरो पे बनाई है। एंड यूज़र इंटरफेस की बात करी जाए तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी वेबसाइट्स बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरे पास ये वाली वेबसाइट है, ये अनलिस्ट प्लान के ऊपर हूँ फिलहाल मैं अभी इनके। तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ वेबसाइट को, सेटिंग्स देख सकता हूँ उसकी, व्यू लाइव सेट कर सकता हूँ और मैनेज स्टोर मैनेजर कर सकता हूँ अगर मैं ई कॉमर्स स्टोर मैंने यहाँ पे सेटअप किया है तो। जायरो का यूज़ यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो और बिजनेस वेबसाइट्स बनाने के लिए किया है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए एट प्रेजेंट मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। तो ई कॉमर्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। एडिटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस तरह का एडिटर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी मिल जाती है, प्लस यहाँ पर ग्रिड सिस्टम भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को अरेंज करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस ग्रिड सिस्टम की वजह से। रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर आपको मोबाइल आइकन दिख जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में कैसे दिख रही है। रिस्पॉन्सिव में भी हम लोग यहाँ पर इसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बटन है, मुझे इसको सेंटर लेआउट करना है, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट भी इसका काफ़ी अच्छा है। पेजेस की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर पेजेज एंड नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नए पेजेस यहाँ पर काफ़ी ईजिली एड किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लेआउट के ऑप्शन आ जाएंगे कि कैसा लेआउट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए स्पोर्ट्स डांस वाला लेआउट, तो ये वाला स्पोर्ट्स डांस वाला एक लेआउट आ गया। यहाँ पे पेज भी आ गया है, मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। और कमिंग ऑन टू एलिमेंट्स, यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वीडियो, इमेजेस, मैप, तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसका आप लोग यूज़ करके बना सकते हो। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पर। देन यहाँ पर हमारे पास आते हैं सेक्शंस। सेक्शंस में यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स रहती है जो ऑलरेडी बनी हुई है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग यही यूज़ करेंगे एंड इट इज़ गुड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए कोई हेडलाइंस वगैरह चाहिए, तो ये रही हेडलाइंस की टेम्पलेट्स। या फिर मुझे चाहिए इमेज का स्लाइड शो चाहिए, देन दीज आर सम टेम्पलेट्स दैट आई कैन यूज़। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छा टेम्पलेट सेक्शन देखने को मिल जाता है। सोशल आइकन्स पे जाते हैं तो ये कुछ सोशल आइकन्स है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, तो यहाँ पर फॉलोअर्स आ गया है। ओवरऑल काफ़ी ईजी टू यूज़ मुझे लगा है। देन यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग का भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से मैं नई ब्लॉग पोस्ट को ऐड कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह आप लोग बना सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल टाइम ब्लॉगिंग करनी है तो वर्डप्रेस इज़ अ बेटर सॉल्यूशन एनी टाइम। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह डालना चाहते हो, एक ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो आप लोग महीने में या फिर 2-3 डाल रहे हो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो फिर इट इज़ अ गुड थिंग, इट कैन गेट द जॉब डन। अब जायरो को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दूँ, या फिर जो मेरा दूसरा चैनल है डिजिटल योगी, वहाँ पर इसके ट्रेनिंग वीडियोस को अपलोड कर दिया जाए। डू लेट मी नो क्या आप लोग चाहते हो कि जायरो के ट्रेनिंग वीडियोस आएँ, या फिर ईजी टू यूज़ है, आप लोग खुद यूज़ कर लोगे, या आपको ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेम्पलेट्स की बात करूँ तो ये कुछ टेम्पलेट्स है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ई कॉमर्स के लिए, सर्विसेज के लिए, फोटोग्राफी के लिए। तो अलग अलग यहाँ पे बिजनेस के लिए आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती है। इनका टेम्पलेट कलेक्शन इज़ गुड। स्पीड की बात करूँ तो स्पीड यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर्स का मेजर प्लस पॉइंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट करके देखे हैं। ये वाली मेरी वेबसाइट है, थोड़ी इमेज हैवी वेबसाइट है ये। देन यहाँ पर मैंने इसको जब न्यूयॉर्क से टेस्ट किया तो दैट वाज 4.8 सेकंड्स, इट इज़ गुड। इसका साइज़ काफ़ी कम है, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा बता रहा है। एंड देन जब इसको मैंने इंडिया से किया तो दैट वाज 6.5 सेकंड। अगेन, वेबसाइट बिल्डर्स यहाँ पे स्पीड के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वेबसाइट बिल्डर्स के हिसाब से इट इज़ अ डिसेंट परफॉर्मेंस। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो इनका कस्टमर सपोर्ट मुझे अच्छा लगा है। 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको रिप्लाईज आ जाते हैं। हालांकि कभी कभार चैट्स में लोग थोड़ा टाइम ले लेते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा टाइम ये लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में इनको 5 मिनट लग गए थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इनकी सपोर्ट टीम से पूछे थे। तो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बट ठीक है, बिगनर्स के लिए इट इज़ गुड। देन कमिंग ऑन टू अदर फीचर्स जो आपको जायरो पे देखने को मिलते हैं, जायरो पे काफ़ी सारे AI फीचर्स हैं। यहाँ पे लोगो मेकर है, बिजनेस नेम जनरेटर है, स्लोगन जनरेटर, AI राइटर, हीट मैप, बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज रिसाइजर और बहुत सारे यहाँ पे AI टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो मुझे इसमें से सबसे अच्छा लगा है वो है AI हीट मैप, दिस इज़ गुड। AI राइटर भी इनका अच्छा है एंड इनका जो लोगो मेकर है,
दैट इज ऑल्सो गुड। तो अब हम तीनों को देखते हैं वन बाय वन। तो ए आई हीट मैप के बारे में बात करूँ तो वो आपको एडिटर में यहाँ पर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे मैं यहाँ पे ए आई हीट मैप पे क्लिक करूंगा, ये हीट मैप निकाल देगा। हीट मैप मीन्स कि सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ पे जाएगी यूज़र की, कि कोई एक वेब पेज है तो यहाँ पे यूज़र सबसे पहले कौन सी चीज़ देखेगा वो हमें ए आई हीट मैप यहाँ पे बताता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर होम पेज, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया वो बताएगा कि जो सबसे पहले अटेंशन जाएगी वो यहाँ जाएगी, जहाँ पे भी रेड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, देन फॉलोड बाय ऑरेंज, येलो और ब्लू पे सबसे कम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अटेंशन यहाँ रहेगी, देन इस बटन पे रहेगी। तो ए आई हीट मैप है काफ़ी एडवांस टूल है, और आई एम सरप्राइज टू सी कि आपको इस प्राइस रेंज में यहाँ पे ए आई हीट मैप देखने को मिल रहा है। प्राइस के बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में यहाँ पर आपको ए आई हीट मैप देखने को मिल जाता है। यूजुअली ये एक सेपरेट पेड एड ऑन रहता है, लेकिन जायरो पे ये आपको फ्री मिल रहा है, और मुझे नहीं पता कि कोई और वेबसाइट बिल्डर एट प्रेजेंट ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आप लोग कन्वर्जन्स की तरफ देख रहे हो, तो ए आई हीट मैप का होना यहाँ पर काफ़ी मीन्स इट कैन गिव यू एन एज, आपको ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। देन इनके पास है ए आई कॉन्टेंट जनरेटर, ये एक GPT-3 बेस्ड टूल है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आपको आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगे GPT-3 के बारे में। राइटर का भी मैंने रिव्यू किया था, वो भी इसी पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, ये बेसिकली कुछ आपको टेक्स्ट वगैरह दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लेट्स से एक स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट, आई विल कंटिन्यू। एंड देन किस तरह की वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जिम से मैं रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूँ, देन कंटिन्यू। तो इसने यहाँ पर मुझे हेल्थ एंड लिविंग कैटेगरी में कुछ टेक्स्ट दे दिया है जो मैं अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट करके देख सकता हूँ। तो ये वाला टूल इनका फ्री है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन जो इनका अगला AI टूल मुझे अच्छा लगा है वो है इनका लोगो मेकर, यहाँ से आप लोग क्विकली लोगोज वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर जो इनके आइकन्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो अगर आपको आइकन्स चाहिए कमर्शियल यूज़ करने के लिए मीन्स इट कैन गेट द जॉब डन फॉर स्टार्टिंग। देन यहाँ पर हमें फ्री इमेजेस भी देखने को मिल जाती है अनस्प्लैश से, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर अनस्प्लैश से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है एक्सरसाइज, तो ये अनस्प्लैश के कुछ इमेजेस आ गई हैं जिसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने पेज पर। इसकी मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर तीन प्लान्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एट प्रेजेंट जो इसकी प्राइसिंग है वो 150 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, ई कॉमर्स की प्राइसिंग जाती है 650 रुपीज़ पर मंथ पे। मेरे पास जो प्लान है वो इनका अनलिस्ट वाला प्लान है, यहाँ पे 4 साल के लिए 150 रहती है और 1 साल के लिए दैट इज 290 पर मंथ, जो आपकी ईयरली कॉस्ट आती है 3480। अब यहाँ पर जो इसका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो इनका रिन्यूअल रेट है वो सेम ही रहेगा, 3480 ही रहेगा, नहीं तो मोस्ट केसेज में यहाँ पे रिन्यूअल रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो रिन्यूअल रेट आप अभी जो इस पर प्राइस पर परचेस करोगे वो लॉक इन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको 1 साल का डोमेन नेम भी मिल जाएगा फ्री में। अब यहाँ पर मेरे पास एक कूपन कोड भी है आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग यहाँ पे कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मंथ फ्री में मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको 4 मंथ्स फ्री दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कूपन कोड कृपेश। नाउ इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो को जायरो ने स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए, इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके, थैंक यू। अब अगर मैं इसके मार्केट के बारे में बात करूँ तो जो जायरो का मार्केट है वो US में काफ़ी ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है, एशियन कंट्रीज़ में उसका मार्केट ज़्यादा नहीं है। कुछ इसकी पॉपुलर वेबसाइट्स बताऊँ तो ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट है जो कि स्पैनिश में है, ये बनी हुई है जायरो के ऊपर ही। देन अनदर पॉपुलर वेबसाइट इज़ लिटिल बनी रॉकेट डॉट कॉम, ये भी जायरो पर ही बनी है, इट इज़ रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, आई थिंक ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये वेबसाइट है। देन दिस इज़ अनदर वेबसाइट ऑफ रेस्टोरेंट, ये भी जायरो पर ही बनी हुई है, और ये एक और वेबसाइट है ल्यूमिकुसी, दिस इज़ इन फ्रेंच। ओके, सो यहाँ पर जायरो का मार्केट शेयर भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जायरो का यूज़ भी कर रहे हैं उनकी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, काफ़ी सिंपल है इसको यूज़ करना। इसके AI टूल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, हीट मैप, लोगो मेकर, टेक्स्ट जनरेटर आपको मिल जाता है, और जो इनका डेवलपमेंट रेट है वो काफ़ी फास्ट है। मैं 1 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी नई चीज़ें ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं काफ़ी जल्दी। इसका जो मुझे एक कॉन लगा है वो ये है कि यहाँ पर मुझे लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली इन एडिटर इन एलिमेंट सेक्शंस। कंपेयर करूं अगर मैं इसको स्क्वायर स्पेस से तो वहां पे काफी ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पे लिमिटेड फीचर्स ही हैं। बट देन अगेन बिगनर्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगे उसके लिए भी शायद से ये चीज़ हो सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक जायरो इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर बिगनर्स जिनको यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है या फिर बिजनेस वेबसाइट बनानी है बजट में, क्योंकि इट इज़ बजट फ्रेंडली कम्पेयर टू अदर वेबसाइट बिल्डर्स सच एज विक्स, स्क्वायर स्पेस या फिर वीबली, वो थोड़े यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जिनको यहाँ पर बजट ऑप्शन चाहिए इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑप्शन राइट देयर।
और मैं जो दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स हैं जैसे कि स्क्वायर स्पेस, विक्स, वेबली, उन सब के भी मैं रिव्यूज़ ले आऊँगा इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको देखने हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप कर सकते हैं, मेरा काम पसंद आया हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।